नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति में, मध्य प्रदेश के साहित्यकार के पार्ट टू के बारे में। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो आई बटन आएगा, आई बटन पे क्लिक करके भी आप उसमें पहुंच सकते हैं, और हमारी हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने प्राचीन साहित्यकार और मध्यकालीन साहित्यकार के ये सात लोगों के बारे में सारा डिस्कशन किया था, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक साहित्यकार जो हैं मध्य प्रदेश के, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आधुनिक साहित्यकार में आते हैं आपके पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शिव मंगल सिंह सुमन और भवानी प्रसाद मिश्र, मुल्ला रमोजी। ठीक है, तो इतने लोग आपके इसमें आते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि इनमें से कौन सा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट और आपको बता दूं दोस्तों, मैं दो सीरीज बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। बाकी जो हमारी सीरीज कंटिन्यू है स्टैटिक जीके की और जो हिंदी में कर रहा हूं, ये दो सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेंगी। इसके अलावा एक तीसरी सीरीज में लेके आ रहा हूं करंट अफेयर की। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको, जैसा कि अभी एमपी पुलिस के एग्जाम में बहुत पुराना तक करंट अफेयर पूछा गया है, जैसे अवार्ड्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं पूरा अवार्ड्स का जो है 2014 में अगर मिला है किसी को, या 15 में मिला है, या 16 में मिला है, या 17 मिला है, तो सारे अवार्ड्स में उस सीरीज में कवर करूंगा। इसके अलावा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जो आपके व्यापम ने एमपी पुलिस में टारगेट किए हैं, वो सारे हम वहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और जो चौथी सीरीज में लेके आने वाला हूं, उसमें ये तो मैं पक्का लेके आ रहा हूं एक दो दिन के अंदर। और लेकिन जो आपका हाँ, ये जो करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, ये पूरा आपको व्यापम गुरुजी पर मिलेगा। ठीक है, और ये पूरा फ्री में होगा। आप व्यापम गुरुजी की जो लिंक है किसी भी वीडियो में जाके वहां पर देख सकते हैं। पेड चैनल था लेकिन अब मैं इसको पेड नहीं कर रहा हूं, और पूरा कंटेंट अभी इसमें जो मिलेगा आपको, वो करंट अफेयर का फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर में स्टार्ट इस पे ही कर रहा हूँ, व्यापम गुरुजी पे, क्योंकि इसमें ढूंढने में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फिर होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके भी चल रहा है, हिंदी भी चल रहा है, अभी कुछ दिनों में इंग्लिश भी आने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं करंट अफेयर पूरा आपका व्यापम गुरुजी पे ही अपलोड करूंगा। इसके अलावा एक और चीज मैं लेके आ रहा हूं जो हिंदी साहित्य की है दोस्तों आपके लिए। तो हिंदी साहित्य में जो रचनाकार हैं, ठीक है, तो रचनाकार के हिसाब से मैं वीडियो लेके आऊंगा, और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की, तो इनका पूरा थोड़ा बहुत, इनका जन्म कहाँ हुआ, किस जिले से संबंधित हैं, या इनको कोई उपाधि दी गई हो उसके बारे में, कोई अवार्ड इनको दिया गया हो उसके बारे में, इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हम उसमें डिस्कस करेंगे। करीब 5-7 मिनट का एक वीडियो उसमें होगा, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके भारत के साहित्यकार हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये चीज मुझे आप कमेंट करके बताएं। अगर मेरे पास कम से कम 50 से 100 के बीच में कमेंट अगर आएंगे तो ही मैं सीरीज को आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं ये सीरीज नहीं बनाऊंगा। तो कम से कम 50 से 100 कमेंट्स मुझे इस चीज के लिए यस में चाहिए, तो ही मैं इस सीरीज को बनाऊंगा, अदरवाइज आई एम सॉरी। तो दोस्तों, अब यहां पे जो पॉइंट है आपका वो मैं डिस्कस करूंगा आधुनिक साहित्यकार के बारे में। तो आधुनिक साहित्यकारों में सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और इनका संबंध चूंकि मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो बाबई करके जगह है वहां पर इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, कोई हिंदी का एग्जाम हो तो वहां ये पूछी जा सकती है, जीवनी में इनकी पूछी जा सकती है, लेकिन अपने को केवल इस चीज से मतलब है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ये क्या थे, कवि थे, लेखक थे और पत्रकार थे। ठीक है, तो पत्रकार थे, इसके अलावा प्रभा प्रताप करमबीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया, जो उतने उतने समय तक, इनके समय में ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन पत्रों के माध्यम से इन्होंने जोरदार प्रचार प्रसार किया, और कई बार इनको ब्रिटिश साम्राज्य का कोपभाजन भी बनना पड़ा। इसके अलावा 1921-22 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था, और ये जेल भी गए थे। इसके अलावा अगर इनकी भाषाओं की बात करें तो प्राइमरी शिक्षा के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और गुजराती, इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो अब यहां पर जो पॉइंट आता है वो पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो इनका
जो चूंकि इन्होंने इनके पास जिस चीज का ज्ञान है उसी चीज में लिखेंगे ना, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और गुजराती। ठीक है, तो अब यहाँ पे कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका ये जो रचना है वो किन में है, और मान लीजिए आप भूल जाते हैं उसको, तो आप इन चार में से कोई एक तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप मतलब समझ, हिंदी का, तो हिंदी तो देखिए चूंकि है ही, और हिंदी के अलावा ये भी भाषाएं इनको आती थी। ठीक है, नेक्स्ट पर हम बात करेंगे प्रभा का जो संपादन, प्रभा के संपादन काल में इनका जो परिचय है वो गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ था। ठीक है, और इनके देश प्रेम और सेवावृत भाव का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था, और यही सब कारण थे कि ये इनको जेल में भी जाना पड़ा था ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, रचनाओं में अगर हम बात करें तो गद्य में और पद्य में दोनों में इन्होंने काफी साहित्य का सृजन किया हुआ है, जिसमें प्रमुख काव्य जो है इनके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमक्रीटनी और हिमतरंगिणी। इसके अलावा माता, योगचरण, मरण काजल, धीरूजी काजल, आज रही, ध्रुजी काजल आज रही, और धूम्र बलयन। ठीक है, ये इनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में अगर देखा जाए तो साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, पांव पांव, और नाटक में कृष्ण अर्जुन युद्ध इनके प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कुछ और रचनाओं की इनकी बात करी जाए तो कला का अनुवाद, कहानी और कहावत, ये सभी कहानियां हैं। समय के पांव, ये संस्मरण है। चिंतक की लाचारी, ये इनका भाषण संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने जो गद्य काव्य की नवीन शैली रंगों की बोली भी लिखी है, तो ये भी इनकी एक रचना हो गई, रंगों की बोली। इसके अलावा बिलासपुर जेल में इन्होंने लिखी थी पुष्प की अभिलाषा, जो उतने टाइम पे जो क्रांतिकारी थे, जो शहीद होते थे, उनके लिए इन्होंने लिखा था। पुष्प, पुष्प मतलब होता है आपका फूल, फ्लावर, तो फूल की अभिलाषा थी कि उसको उस रास्ते में फेंका जाए, भगवान के ऊपर ना चढ़ा के उस रास्ते में फेंका जाए जहां से लोग शहीद होने के लिए जा रहे हो, अपने देश पर मर मिटने के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके की ये थी। और अगर आपने एमपी बोर्ड के हैं और एमपी बोर्ड में आपने 5वीं 6वीं में शायद, जहां तक मुझे याद है, उसमें पुष्प की अभिलाषा करके एक हिंदी में पाठ भी था, उसमें पूरी की पूरी ये पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना दी भी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, आधुनिक साहित्यकार में हम बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, इनका जन्म श्योपुर कला जो विदिशा में पड़ता है, वहां पर हुआ था 1917 में। इसके अलावा उज्जैन, विदिशा, अमझेरा आदि मध्य प्रदेश के स्थानों पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। दिस पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा ये कहानीकार थे और समीक्षक भी थे, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होगा। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है, तो ये पॉइंट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जो कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके अलावा एक साहित्यक की डायरी, ये निबंध संग्रह है। नई कविता का आत्म संघर्ष, भारत, इतिहास और संस्कृति, कामायनी, एक पुनर्विचार, ये सारी मतलब इनकी जो रचनाएं हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ रचनाएं प्रकाश में आई, जैसे सतह से उठता आदमी, भूरी भूर खाक धूल, मुक्ति बोध रचनावली, काट का सपना और बिपात्र, तो ये भी सारी रचनाएं जो हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आपको दो बार ये वीडियो देखना है कम से कम, अगर आप याद करना चाहते हैं, क्योंकि आप जब सुनेंगे, सुनने का और देखने का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप बोर होंगे और इस टॉपिक को आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हिंदी साहित्य को आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की। और अगर आप कंप्लीट कर भी लोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको आप वीडियो के माध्यम से ही समझें, चाहे मेरे वीडियो देखें चाहे कोई और वीडियो देखें। और वीडियो से क्या होगा, आपके कान में पड़ रहा है, दिमाग में घुस रहा है, आप आंख से देख रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार इसको इस तरीके से लिखता हूं, इसके नीचे अंडरलाइन बार बार करता हूं, सर्कल इसको करता हूं, ताकि वो चीज आपके माइंड में सीधी जाके बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक साहित्यकार में सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। और सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर टिकट भी जारी हुआ, इसलिए मैंने इनकी इमेज भी यही सिलेक्ट करी है। ठीक है, तो ये बहुत हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, और 1904 में प्रयाग जो उत्तर प्रदेश में है इनका जन्म हुआ था, और इनका विवाह हुआ था मध्य प्रदेश में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जबलपुर में आके कर्म बी में माखनलाल चतुर्वेदी के साथ संपादन का काम देखने लगे थे। और इस तरीके से ये जो है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी के साथ थोड़ा संपर्क में भी थी। उनके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय संघर्ष में उन्होंने हिस्सा भी लिया, जेल भी गई, और माखनलाल चतुर्वेदी की सहयोग से इनकी कविता चमक उठी। ठीक है, तो ये है आपका
ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मतलब इनके साथ माखनलाल मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान के समकालीन कौन थे, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि इनका इनको कवित्री बनाने में किसका सबसे ज्यादा सहयोग रहा, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनकी जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नए नियुक्त एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया है। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, क्योंकि ये 2006 का ही पॉइंट है और एग्जाम में तब तो ये करंट अफेयर में पूछा ही गया था कई एग्जाम्स में, लेकिन अभी भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को इनके सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया है। तो ये देखिए 25 पैसे का एक डाक टिकट है। इन्हें मुकुल तथा बिखरे मोती पर अलग अलग सिकर सरिया पुरस्कार भी मिले गए। तो इनकी एक रचना मुकुल हो गई, एक आपकी बिखरे मोती इनकी रचना हो गई। इसके अलावा मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र जैसी अल्प रचनाओं ने ही इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया था। इसके अलावा जो झांसी की रानी कविता थी उसको उसने तो एक कमाल भी कर दी, कमाल ही कर दिया था। ये भी पाठ आपने हिंदी में पढ़ा होगा, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र और झांसी की रानी। तो ये सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और चूंकि ये एक महिला कवियत्री हैं इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पर हम बात करेंगे वाल कृष्ण शर्मा नवीन के बारे में। इनके नाम पर भी देखिए ये 60 पैसे का एक 60 पैसे का एक डाक टिकट मतलब जारी किया गया था। ठीक है, तो 8 दिसंबर 1997 को मध्य प्रदेश के जो ग्राम है शुजालपुर, ग्वालियर के आसपास पड़ता है, इसमें इनका जन्म हुआ था। और गणेश शंकर विद्यार्थी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रवादी गुरुओं का इनके ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ा था। तो इनके गुरु कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी और माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों, और नवीन जी राष्ट्रवादी कवि थे, बहुत मोस्ट है ये पॉइंट, ये राष्ट्रवादी कवि थे। चूंकि मतलब ये जो टाइम चल रहा था, जैसे अगर हम बात करते हैं 1897 की, तो देखिए 1857 में क्रांति हुई थी। ठीक है, मतलब अंग्रेजों से त्रस्त होने के बाद ही ये क्रांति हुई थी, जब बहुत हर व्यक्ति त्रस्त हो गया था, जब त्रस्त सब लोग हो जाते हैं तभी क्रांति या तभी आंदोलन होते हैं। तो इनकी जो कविताएं थी या जो माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी वगैरह है, इनकी जो रचनाएं थी वो देश प्रेम को ज्यादा समर्पित थी। हालांकि और भी रचनाएं की हैं इन लोगों ने, ठीक है, और राष्ट्र प्रेम उनकी कविताओं का मुख्य स्वर है। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र प्रेम पे ही इनकी ज्यादातर कविताएं हैं। इन्होंने प्रभा और प्रताप नामक पत्रों का संपादन भी किया और इन्हें साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में 1960 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उर्मिला इनका एक महाकाव्य है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि उर्मिला क्या है। ठीक है, महाकाव्य, खंड काव्य, कहानी, ऐसे एक चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि उर्मिला महाकाव्य है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो उर्मिला महाकाव्य है किसकी रचना है, तो ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ठीक है, तो ये मतलब इनका प्राण अर्पण है, ये खंड काव्य है, प्राण अर्पण खंड काव्य है, उर्मिला महाकाव्य है। इसके अलावा इनका जो कविता संग्रह है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा, स्तवन, हम बिशपाई जन्म के, ठीक है, तो ये इनके हो जाएंगे अन्य कविता संग्रह। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडित हरिशंकर परसाई के बारे में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है परसाई जी। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ही इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1924 को। ठीक है, तो इनका संबंध है होशंगाबाद जिले से। नेक्स्ट, इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली, ठीक है, और प्रहरी के संपादक भी ये रहे। परसाई जी को अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए, जैसे पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, शरद जोशी सम्मान। इसके अलावा मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार, चकल्लस पुरस्कार और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का भवभूति अलंकार, तो ये पुरस्कार भी इनको प्रदान किए गए। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ व्यापम में एमपीएसआई के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यापम के किसी भी एग्जाम में, इसके अलावा एमपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो मैंने इस हिसाब से आपको बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं उनमें उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह जो है इनका, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, जो शिकायत मुझे भी है, ठीक है। कहानी संग्रह इनके हैं, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा व्यंग और निबंध संग्रह जो हैं, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। तो इनके नाम से ही आपको समझना चाहिए कि तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आधुनिक साहित्यकारों में शरद जोशी के बारे में। तो शरद जोशी, मध्य प्रदेश सरकार में शरद जोशी सम्मान भी एक दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था, और इनकी व्यंगात्मक कहानियों पर आधारित धारावाहिक लापता गंज भी बनाया गया, ठीक है। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, और चकल्लास पुरस्कार से सम्मानित हुए, और हिंदी साहित्य समिति इंदौर में जो है इनके द्वारा शाश्वत मर्दड़ की उपाधि से नवाजे गए, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने इनका इनके नाम पर शरद जोशी सम्मान भी शुरू किया। नई दुनिया, कादंबरी, ज्ञानोदय, रविवार, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स जैसी पत्र पत्रिकाओं के लिए भी इन्होंने नियमित स्तंभ और बहुत कुछ लिखा, तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टेलीविजन के जो धारावाहिक हैं, ये जो जिंदगी, विक्रम बेताल, वाह जनाब, देवी जी, ये दुनिया गजब की, दाने अनार के, और लापता गंज, ये भी इन्होंने ही लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और काफी मतलब बहुत सम्मानीय ये थे। इसके अलावा क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आंच नहीं, उत्सव जैसी फिल्मों की पटकथा भी इन्होंने ही लिखी। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथा संभव, ये सारे व्यंग निबंध हैं। अंधों का हाथी, एक था गधा, ये नाटक हैं। मैं और केवल मैं, ये एक उपन्यास है, और जो तिलिस्म है ये इनका कहानी संग्रह है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं होंगी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे आधुनिक साहित्यकार में नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म उन्नाव जिले के मगराइल नामक ग्राम में 1906 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, समीक्षक और अंत में प्रशासक भी रहे। इनको छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सूरसागर का तथा बाद में गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का भी संपादन किया। तो ये भी पॉइंट बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी इनकी पहली कृति थी 1940 में, उसके बाद फिर जयशंकर प्रसाद 1940 में, प्रेमचंद्र एक साहित्यिक विवेचन, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, महाकवि सूरदास, कवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, नए संदर्भ, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, रचनावली, भुलक्कड़ों का देश, ये इनका व्यंग है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, राष्ट्रीय साहित्य, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र का इतिहास, यादें बोल उठी, इनका संस्मरण है, और प्रकीर्णिका, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, ठीक है दोस्तों। अब इनमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने आपको 20-22 बता दी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए सबसे पहली जो है आपकी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, नया साहित्य, नए प्रश्न, ठीक है, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट है, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नए संदर्भ, साहित्य का आधुनिक युग, ये काफी इनके इंपॉर्टेंट होंगे। भुलक्कड़ों का देश, व्यंग भी इनका काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद यादें बोल उठी, इनका जो संस्मरण है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो हालांकि आपको देखिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जो मेन मैंने आपको बताए हैं, जिनको सर्कल मैंने किया, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी। नेक्स्ट है आधुनिक साहित्यकार में डॉक्टर शिव मंगल सिंह चौहान, ठीक है। और डॉक्टर शिव मंगल सिंह चौहान जो हैं, उनको शिव मंगल सिंह सुमन की उपाधि दी गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 5 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ था। एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे।
इनके जो सम्मान और पुरस्कार हैं वो है मिट्टी की बारात, जो इनकी रचना थी उनके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला। मिट्टी की बारात के लिए ही इनको भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1999 में फिर इनको पद्म भूषण भी दिया गया, देवा पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान, तो इतने इनको अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। इसके अलावा इनका जो काव्य संग्रह है वो है लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारें, ये इनके काव्य संग्रह होंगे। ऐसी गद्य रचनाएं जो है महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य उद्यम और विकास, नाटक प्रकृति, पुरुष कालिदास, ठीक है, तो ये इनके प्रमुख गद्य रचनाएं होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आधुनिक साहित्यकारों में पंडित भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था टिगरिया गांव में, जो होशंगाबाद में पड़ता है। तो देखिए होशंगाबाद से तीन लोग हो गए। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे। इनको 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए, ये कृति थी इनकी बुनी हुई रस्सी रचना थी, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके अलावा 1981-82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान भी इनको दिया गया, मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से भी इनको अलंकृत किया गया। कविता संग्रह इनका, मतलब काफी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, जिनमें से देखिए गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम नमम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, तूस की आग, कालजयी, अनाम और नीली रेखा तक, ये इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाल कविताएं हैं वो हैं तुकों के खेल। ठीक है, बाल कविताएं हैं इनकी तुकों के खेल। संस्मरण है जिन्होंने मुझे रचा। निबंध संग्रह है कुछ नीति कुछ राजनीति। इसके अलावा जो आपने सुना होगा पढ़ा होगा सतपुड़ा के घने जंगल ऊंघते अनमने जंगल, ये रचना भी पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की ही है। ठीक है दोस्तों, ये भी पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए इतनी सारा इनका कविता संग्रह, इतना सारा याद नहीं किया जा सकता, लेकिन बस आप ये मान के चलिए कि आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि जब भी आप ऑप्शन में इनको देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये रचनाएं किसकी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है फिर हमारे आधुनिक साहित्यकार में मुल्ला रमूजी। ठीक है, तो इनका फोटो मुझे नहीं मिल पाया है, और मुल्ला रमूजी भोपाल से संबंधित है, भोपाल में इनका जन्म हुआ था। गुलाबी उर्दू की शैली इनकी खुद की ईजाद थी, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि जो गुलाबी शैली, गुलाबी उर्दू की जो शैली है वो, मतलब उसका संबंध किससे है, तो वो है मुल्ला रमूजी से संबंध। इनकी रचनाएं में है इंतिखाबे गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी उर्दू, मिकालात गुलाबी उर्दू, ख्वातीन अंगूरा, शादी औरत जात, लाठी और भैंस, दीवाने मुल्ला रमूजी, शिफा खाना, जिंदगी मुल्ला रमूजी, गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी। ठीक है, जो ज्यादातर गुलाबी गुलाबी लगा हुआ है तो इनको ज्यादा याद आपको नहीं करना पड़ेगा, बस आपको याद करना पड़ेगा जिंदगी और लाठी और भैंस, शादी और जात, ख्वातीन अंगूरा। ठीक है, और उर्दू अकादमी जो है इन्होंने अपने भवन का नाम भी मुल्ला रमूजी के नाम पर ही रखा गया है। तो दोस्तों ये हैं हमारे मुल्ला रमूजी और आधुनिक साहित्यकार। आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।